साथ न छोड़ा। एक रात टंटनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमूली, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात को हराम मचा रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। एजी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमूही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। माँ, वो देखो, एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखे क्या है। अरे लाडू बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उड़, तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ, इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठी रहोगी तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडू का ध्यान रख लूँगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूँढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ ना कुछ काम ढूँढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है, किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन। अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी, बताना कहाँ है तेरा घर, मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने, टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ ले दिया, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन, मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी, और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी, उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है।
और बोलती है, ये लो बेटा तुम सभी जल्दी से खाना खा लो, अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा तू भी पढ़ने जाएगी, चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है। मुंबई के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती थी। कालू हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी लहराती फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है, अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरी भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस बार मैं भिंडी बेचकर सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रखूंगा, ताकि उस लालची कड़कनाथ से मुझे कर्ज ना लेना पड़े। टुनटुनी बहू, भोजन हो गया हो तो ला मेरी बेटी के लिए, वरना ये फिर किसी काम में लग जाएगा। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी भोजन लाकर अपने पति को देती है। अरे बहू जरा इसका ध्यान रखा कर, देख तो सूख कर काटा हो गया है। मैं क्या करूं माँ जी, दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि खान पान का ध्यान रखो, पर नहीं, इन्हें तो बस फसल की चिंता सताती है कि सही सलामत फसल मंडी तक पहुँच जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 28/4 कितने होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कालू खेत से आकर भी बैठा ही था कि तभी उसके पिता जंगल से आते हैं। क्या है पिताजी, भिंडी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है इस बार, बस कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएंगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से सबकी नींद खुल जाती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। पिताजी अब क्या होगा, इतनी तेज बारिश में हमारी भिंडी की फसल बर्बाद हो जाएगी, मैं खेत पर जाता हूँ। अरे बेटा तू बेकार में जा रहा है, तेरे पिताजी ने पानी निकालने का रास्ता बना दिया है, बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ मुझे जाना ही होगा। तो ठीक है, आप पिताजी को भी साथ लेकर जाइए, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी। कालू अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। सारी रात बीत जाती है पर दोनों घर नहीं लौटते। अगली सुबह उन्हें देखने के लिए टुनटुनी और सुंदरी खेत पर जाती है, पर वहाँ का नजारा देखकर टुनटुनी दहाड़े मारकर रोने लगती है। हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। हे प्रभु ये आपने क्या किया, मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटी मरी पड़ी थी, उन पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। समय गुजरने लगता है, सदमे से टुनटुनी की सास की भी मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बेसहारा हो चुकी थी, घर में रखा सारा अनाज खत्म हो चुका था। एक दिन वो पहाड़ पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तभी वहाँ एक बाबा पास आता है। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह इन पहाड़ों पर बैठकर क्यों रो रही हो, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते बाबा बॉस को अपनी सारी बात बताती है। बिटिया तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, ये लो ये आइसक्रीम के चमत्कारी बीज है, इन्हें ले जाकर खेत में बिखेर दो और आइसक्रीम की खेती शुरू करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दुखों को भुलाकर उस बाबा के द्वारा दी हुई जादू आइसक्रीम के बीज से अपने खेत में आइसक्रीम की खेती करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है।